हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एनिमल किंगडम के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि नीट में आए हुए हैं एंड अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स डैट हेमीकॉर्डेट्स शेयर विद कॉर्डेट्स इन, यानी इनमें से कौन सा करेक्टर है जो कि हेमीकॉर्डेट एंड कॉर्डेट में कॉमन है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, फेरिंग्स विद गिल्सलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स, यानी कि इनमें से कौन है जो कि एक्वेटिक मैमल्स के अंदर आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, वेल्स डॉल्फिन्स एंड सेल्स। एंड इसके अलावा ट्राइगन एंड शार्क्स, ये दोनों कार्टिलेजिनस फिशेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हॉर्स, इनमें से हॉर्स के ऑर्डर को कौन रिप्रेजेंट करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, पेरिसोडैक्टिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ पोरीफेरेंस द स्पॉन्जो सेल इज लाइंड विद फ्लेजिलेटेड सेल्स कॉल्ड, यानी कि पोरीफर्स के स्पॉन्जो सेल में कौन सी फ्लेजिलेटेड सेल्स पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, कोइनोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ऑल साइक्लोस्टॉम्स डू नॉट पॉजेस जॉस एंड पेयर्ड फिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड एंड मैमल्स, यानी कि इनमें से कौन सा करेक्टर है जो कि बर्ड्स और मैमल्स में कॉमन नहीं है या समान नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ए, विविपराइटी, क्योंकि ऑल बर्ड्स आर ओविपेरस जबकि ऑल मैमल्स एक्सेप्ट डक्ट बिल्ड प्लेटिपस आर विविपेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर द क्रोस्पोंडिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स, यानी यहाँ पे हमें कुछ फाइलम के करेक्टर दिए हुए हैं, हमें देखना है कि इनमें से विदाउट एक्सेप्शन कौन सा सही है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है कॉर्डेटा, जिसमें दिया हुआ है पॉजेज अ माउथ विद एन अपर एंड अ लोअर जो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। फाइलम कॉर्डेटा में जॉलेस वर्टिब्रेटा एंड जॉड वर्टिब्रेटा दोनों आते हैं। इसके बाद दिया हुआ है रेप्टाइला, जिसमें दिया हुआ है थ्री चैम्बर्ड हर्ड विद वन इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वर्टिकल वेंट्रिकल, तो ऐसा इसमें भी हमेशा नहीं होता है क्योंकि क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर्ड हर्ड होता है जिसमें दो ओरिकल्स एंड दो वेंट्रिकल्स होते हैं। थर्ड ऑप्शन है कॉन्ड्रीसीथियस कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, तो ये सही दिया हुआ है। इसके बाद लास्ट है विविपेरस मेमेलिया, तो इसमें भी एक्सेप्शन है, सारे मैमल्स विविपेरस नहीं होते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था, डक्ट बिल्ड प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंटीटर आर ओविपेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट रिप्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा, यानी कि आर्थ्रोपोडा में इनमें से कौन सा फीचर नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, पैरापोडिया। पैरापोडिया एनिलिट्स में पाए जाते हैं एंड ये लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी हैविंग मैशवर्क ऑफ सेल्स इंटरनल कैविटीज लाइंड विद फूड फिल्टरिंग फ्लेजिलेटेड सेल्स एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम, तो ये सभी करेक्टर किस में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, पोरीफेरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाजेनेसिस रेफर्स टू, यानी कि मेटाजेनेसिस क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इसका अच्छा एग्जांपल है ओबेलिया, जिसमें पॉलिप असेक्सुअली एंड मेडूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जालस फिश विच लेज एग इन फ्रेश वाटर एंड वूज एमोसाइट्स लार्वा आफ्टर मेटामोरफोसिस रिटर्न टू द ओशियन इज। तो इसका राइट आंसर है बी, पेट्रोमाइजन। तो पेट्रोमाइजन जिसे लैम्प्रे भी कहते हैं, जॉलेस फिश है और जो कि फ्रेश वाटर में अंडे देता है और 3 वीक्स में अंडों से लार्वा निकलता है जिसे एमोसिट्स कहते हैं, और मेटामोरफोसिस के बाद यंग लैम्प्रे वापस समुद्र में लौट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन डस नॉट सो विविपैराइटी, यानी कि इनमें से कौन सा ह्यूमन का एंडोपैरासाइट है जो कि विविपैराइटी सो नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ट्राइकिनेला स्पाइरलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन, यानी हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें कि पूछा है कि इनमें से विदाउट एक्सेप्शन कौन सही है। तो देख लेते हैं, पहला है साइक्लोस्टोमेटा, इसमें दिया हुआ है सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, जॉज एब्सेंट, इंटेग्यूमेंट विदाउट स्केल्स, पेयर्ड अपेंडिसेस। तो ये गलत दिया हुआ है, इसमें लास्ट जो पॉइंट है पेयर्ड अपेंडिसेस, इसमें पेयर्ड अपेंडिसेस नहीं पाए जाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एविस के लिए दिया हुआ है बॉडी कवर्ड विद फीदर्स, ये सही है, स्किन मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर, फोर लिम्स फ्रॉम विंग्स, लंग्स विद एयर सैक्स। तो ये भी गलत दिया हुआ है क्योंकि एविस की स्किन मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर नहीं होती है, एंड ओनली पिन ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टेल। नेक्स्ट है ममेलिया के लिए मेमरी ग्लैंड हेयर ऑन बॉडी पिन्ना 2 pair of limbs। तो ये भी गलत है क्योंकि इसमें भी एक्सेप्शन है, जो प्रोटोथीरियन मैमल्स होते हैं उनमें ईयर पिन्ना नहीं पाए जाते हैं, एंड एक्यूटिक मैमल्स में हाइंड लिम्ब भी नहीं पाए जाते हैं, तो ये भी गलत है। लास्ट है कॉन्ट्रिसिथियस, जिसमें कि दिया हुआ है माउथ वेंट्रल, गेल्स विदाउट ओपरकुलम, स्किन विद प्लेकॉर्ड स्केल्स एंड परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड। तो ये भी गलत है क्योंकि गेल्स विदाउट ओपरकुलम, इसमें एक एक्सेप्शन है जो है सिमेरा। तो इसके सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट विविपैरस, इनमें से कौन है जो कि विविपैरस नहीं है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा इसका राइट आंसर है ए, प्लेटिपस, जो कि एक एग लेइंग मैमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑन लैंड, यानी कि इनमें से कौन सा करेक्टर इंसेक्ट को लैंड में विविधता बनाता है। तो इसके लिए राइट आंसर है ए, एक्सोस्केलेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द टैक्सोन मेंशन डेट रिप्रेजेंट बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज, यानी इनमें से कौन सा टैक्सोन है जिसमें कि उसकी स्पीसीज मैरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों में पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, निडेरिया। तो निडेरियंस आर द सैक लाइक एनिमल्स विच आर एक्वेटिक मोस्टली मैरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंप्लीटली लेक अ सेल वॉल, यानी कि इनमें से कौन किस में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है बी, सी फैन या फिर गोर्गोनिया, जो कि फाइलम सिलिंड्रेटा से बिलोंग करता है एंड फाइलम सिलिंड्रेटा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेनेरिया पॉजेस हाई कैपेसिटी ऑफ, यानी कि प्लेनेरिया में किस चीज़ की हाई कैपेसिटी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, रीजनरेशन। अ मैरीन कार्टिलेजिनस फिश डेट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी कार्टिलेजिनस फिश है जो कि करंट प्रोड्यूस करती है। तो इसका राइट आंसर है
पी टारपीडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद रेस्पेक्ट टू देयर टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशंस, यानी यहाँ पे हमें कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें इनके टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन से मैच करना है। सबसे पहले है हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई एंड सिल्वर फिश इंसेक्टा। तो ये सही दिया हुआ है कि ये, क्योंकि ये चारों इंसेक्ट के अंदर आते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद इसमें दिया हुआ है स्पाइनी एंटीटर, सी अर्चिन एंड सी कुकुम्बर इकाइनोडर्मेटा। तो स्पाइनी एंटीटर, जैसा कि आप जानते होंगे, एक मैमल है जो कि इकाइनोडर्मेटा में नहीं आता है। बाकी सी अर्चिन एंड सी कुकुम्बर इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। थर्ड ऑप्शन है फ्लाइंग फिश, कटल फिश एंड सिल्वर फिश पीसेज। तो सिल्वर फिश इज अ मेंबर ऑफ इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा। एंड लास्ट है सैंडीपीड, मिलीपीड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, इंसेक्टा। तो ये भी गलत है क्योंकि सैंडीपीड क्लास चिलोपोडा से बिलोंग करता है, मिलीपीड डिप्लोपोडा से एंड स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर इंसेक्टा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम, यानी कि इनमें से कौन से ग्रुप के एनिमल्स सेम फाइलम से बिलोंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए प्रान, स्कॉर्पियन एंड लोकस्ट, जो कि तीनों आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द नेम ऑफ द एनिमल कॉलम फर्स्ट विद वन करैक्टरिस्टिक कॉलम सेकंड एंड द फाइलम क्लास थर्ड टू विच इस बिलोंग्स। तो यहाँ पे हमें इसे मैच करना है, तो इसका राइट आंसर है सी पेट्रोमाइजन, एक्टोपैरासाइट, साइक्लोस्टोमेटा। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज, यानी कि इनमें से कौन फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। तो इसका राइट आंसर है डी सिल्वर फिश। द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेप्टाइला आर, तो इसका राइट आंसर है डी बॉडी कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, स्केल्स ओवर द बॉडी आर एपिडर्मल, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, यानी कि इनमें से कौन से ग्रुप के एनिमल्स केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी टीनोफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विद इज वन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द टैक्सॉन। तो इसका राइट आंसर है डी डक्ट बिट प्लेटिपस, जो कि ओविपेरस है एंड मेमेलिया से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शार्क्स एंड डॉग फिशेस डिफर फ्रॉम स्केट्स एंड रे बिकॉज, तो इसका राइट आंसर है डी देयर पेक्टोरल फिन्स डिस्टिंक्टली मार्क्ड ऑफ फ्रॉम सिलेंड्रिकल बॉडीज। एंड ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज अ एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेशन, नियो लेमार्किज्म, नियो डार्विज्म या फिर नेचुरल सिलेक्शन।